पर सत्य प्रकाश, एक मिनट नवल, सत्य प्रकाश सरकार का ये फैसला सही है क्या? बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रहा हूं। और मैं सीधा जवाब दूंगा। 14 जून 2019 को हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और तब के भी प्रवक्ता रहे केसी त्यागी जी का स्पष्ट मत था कि इस तरह के मेरिट के नाम पर लैटरल एंट्री से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को बाईपास करना, उसका एक काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट आएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि हमारी पार्टी इतिहास में भी जनता दल से शुरू हुई, लोक दल से शुरू हुई और इसके तमाम नेता आरक्षण के समर्थक रहे, पिछड़ी जातियों के भारत में विकास के प्रबल पुरोधा रहे, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, जयप्रकाश हो और चौधरी चरण सिंह जी हो, उन्हीं के बिरादरी से आते हुए उन्हीं की विचारों पर नीतीश कुमार हैं, शरद यादव थे, मुलायम सिंह जी थे, लालू प्रसाद भी उसी से निकले थे। तो ये जो लैटरल एंट्री है, आप विशेषज्ञों की नियुक्ति करिए, अगर आपको कोई जरूरत है, जैसे एनटीपीसी के चेयरमैन को बनाया था ना लैटरल एंट्री से कांग्रेस पार्टी के समय, ये अलग कमिटी एक बनी, उसने कहा लैटरल एंट्री 2002 में खारिज किया, उसको नहीं मानने था। विशेषज्ञों की नियुक्ति मोंटेक सिंह आहलूवालिया को भी सचिव बनाया गया। तो ऐसी स्थिति रही है कि सरकार को समय समय पर किसी विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरा मानना है और हमारी सीधे 45 यहाँ पर पद है, एक दो पद की बात हो संदीप जी, तो वो मुझे पूरा कर, संदीप जी मुझे पूरा करने दीजिए कि अगर आपको विशेषज्ञों की जरूरत है आप करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए करना पड़ेगा कि देश में कई जातियां कई हजार सालों से पिछड़ी रही और आजादी के बाद भी पिछड़ी रही, उनको भी विकसित होने का और विशेषज्ञ बनने का अवसर प्रदान करिए। उसको तार तार करके नहीं कर सकते। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर जरूर राय लेंगे, सदन में भी लेंगे, उस पर भी राय आई नहीं है, लेकिन मेरी अपनी मान्यता है और मैं इसमें पूर्ण यकीन के साथ कहता हूं कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी के साथ कोई भेदभाव किसी भी एंट्री में नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक दो विशेषज्ञ, जैसे आपने कहा कि 45 है, अगर एक दो विशेषज्ञ जैसे एनटीपीसी के चेयरमैन ऊर्जा सचिव बन गए थे, बेसिस के चेयरमैन भी ऊर्जा सचिव बने, मोंटेक सिंह आहलूवालिया सचिव बने, ऐसे हजार मतलब कम से कम 100 से ज्यादा उदाहरण है जो लैटरल एंट्री के जरिए सचिव पद तक पहुंचे, या तो ज्वाइंट सेक्रेटरी की बात के सदर बन गए, जी वो लोग सेक्रेटरी तक बने, अभी तो ज्वाइंट सेक्रेटरी की बात है, वो भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, शायद उसको बढ़ाते भी है बाद में, क्योंकि सरकार आपकी सुनती नहीं है क्या? बड़े थे सरकार हमारी बहुत सुनती है, इस पर सुनती है। चौधरी जी, जातिगत जनगणना आप कराते हैं, सरकार केंद्र में अनसुनी कर देती है, आपके जनगणना को सर्वे कह दिया जाता नहीं, है कि हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बिहार में जातिगत सर्वे में साथ खड़ी थी और तमाम पार्टियों ने मेज थपथपाकर, अब नाम समेत बताऊं कि आरएसएस के, बीजेपी के कौन कौन लोग पटना हाई, सुनिए नहीं नहीं ऐसे थोड़ा कोई, अरे भाई आपको धारा प्रवाह बोलने के लिए थोड़ा बुलाया है, आप कुछ अगर दावा करेंगे तो उसका अगर कहीं पर काट होगी तो बिल्कुल काट हुआ बीच में। सुनिए, आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने समर्थन दिया, तो बीजेपी के कितने नेता और आरएसएस के कितने नेता पटना हाई कोर्ट में उस आरक्षण के खिलाफ गए और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, उनका नाम भी आपके सामने पेश कर दूं, वो तो आप जानते हैं। जिन लोगों ने पटना हाई कोर्ट पे पिटीशन डाला, जिस भी विचार से वो अलग लोग थे, लेकिन बीजेपी ने आरक्षण बढ़ाया जब अति पिछड़ों का, उसका भी मेज थपथपाकर बिहार में स्वागत किया। अच्छा। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उससे जो आएगा देखेंगे। और ये जो नवल जी कह रहे थे, अगर 90 के दशक में जो ओबीसी आरक्षण पास हुआ उसमें बीजेपी बेंच नहीं थपथपा रही थी क्या? उसमें तो कांग्रेस विरोध कर रही थी, राजीव गांधी जी ने लंबा भाषण दिया था उस पे। संदीप चौधरी जी, आप धारा प्रवाह थोड़ा बोल दीजिए ना कि कांग्रेस पार्टी देश में जातिगत आरक्षण की सबसे खिलाफ पार्टी रही है, एक सबसे खिलाफ कांग्रेस भी और बीजेपी भी, बीजेपी भी जोड़ दीजिए ना। बीजेपी ने बेंच थपथपा करके मंडल कमीशन के रिपोर्ट को पास किया था, पास किया था। जेडीयू ने जो 2015 में इतना बड़ा मुद्दा बनाया था, जब सरसंघ चालक कह रहे थे कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तब आपने हल्ला बोल किया था कि नहीं? थोड़ा अपने गिरेबान में झांकिए ना सत्य प्रकाश। बिल्कुल किया था। हमने कहा ना, हम आरक्षण की समर्थक पार्टी है, हम सामाजिक न्याय की पार्टी है, और बीजेपी ने भी 90 के दशक में बीजेपी पर अब आप दबाव डालेंगे
कि 1968 वाली पुरानी व्यवस्था जो 2018 तक चल रही थी 29 नवंबर से पहले, उसी व्यवस्था पर लाइए। लेटरल एंट्री भी कर रहे हैं, उसमें आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। क्या ये जेडीयू दबाव डालेगी बीजेपी पर? जब 2019 में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी ने इस बात को स्पष्ट 2019 में कर दिया था, मैं डेट बता रहा हूँ, 14 जून 2019 सरकार ने अनसुनी कर दी ना, तो डेट तो बता दी। अभी भी संदीप जी इस बात को समझिए कि हमारी पार्टी इस मामले में सकारात्मक रुख जरूर लेगी, इंतजार करना चाहिए। हम ये मानते हैं कि विशेषज्ञों की नियुक्ति आप करिए, लेकिन संविधान आपके भी गले की हड्डी बनेगी, ये कितना समर्थन करते हैं, कितना सशर्त समर्थन करते हैं। हमने स्पष्ट रूप में हमेशा सामाजिक न्याय पर, स्पष्ट मानदंडों पर स्पष्ट रुख अख्तियार किया है। हमारा पार्टी का इतिहास रहा है, हमारे नेता ने कभी किसी बात को लेकर किसी से समझौता नहीं किया, किसी से समझौता नहीं किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।